सब और किस लिए मनाया जाता है। भगवान ने जवाब दिया है, भैया सुना, और जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने, भैया हमें बताओ जवाब दिया है मैया। ये सभी गोपियां नए नए वस्त्रों को पहन करके साज श्रृंगार बना करके कहां के लिए जा रही है। उसी समय मैया सुधा ने जवाब दिया है बेटा कन्हैया कि यशोदा तो चुप ही रही, तोरे बोले बाबा नंद पर तुम्हें नहीं मालूम है सुवेटा यादव चंद। जवाब दिया है कन्हैया, मैया यशोदा कुछ नहीं बोल पाई तब तो बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने जवाब दिया है बेटा कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं है। ये सभी गोपी गोपियां कहां के लिए जा रहे हैं, किसके लिए मीठे मीठे पकवान बना रहे हैं। तो कन्हैया बाबा से पूछने लगे, बाबा आप ही बताओ, मैया से तो बहुत देर गई पूछते पूछते, मगर मैया ने तो कुछ नहीं बताई और मेरे पेट में इतनी तेजी से भूख लगी है, मैया यशोदा ने मुझे एक पुआ भी उठा करके नहीं दिया है। क्या बात है, किसके पूजन के लिए, किसने किसके आदर सत्कार के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं बाबा। तो बाबा ने जवाब दिया है बेटा कन्हैया, आज ये पकवान जो है इंद्र के पूजन के लिए हम सभी पकवान बना रहे हैं। आज कृष्ण चतुर्दशी है, आज हम सभी इंद्र का पूजन करने के लिए जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, बाबा ये इंद्र कौन है। जवाब दिया, ये बहुत बड़े देवता हैं।